हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे द्वीप समूह देश की सैर पर जिसे मोतियों का देश भी कहा जाता है। एक ऐसा देश जहां पर आपको एक ऐसा वृक्ष मिलेगा जो बिना पानी के स्रोत के 400 साल से जीवित है, और ये वृक्ष कहीं और नहीं बल्कि रेगिस्तान में है, जिसे देखने के लिए लाखों पर्यटक दुनिया भर से आते हैं। वैज्ञानिक भी इस पेड़ का राज नहीं ढूंढ पाए हैं कि आखिर ये पेड़ जीवित कैसे है। इसी के साथ ये देश बहुत सारी संस्कृति और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खास खाड़ी देश की सैर पर जिसका नाम है बहरीन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, कतर और सऊदी अरब के बीच एक खाड़ी में बहरीन स्थित है जो 33 द्वीपों का एक द्वीप समूह देश है। बहरीन शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा द्वीप जो चारों ओर से दो समुद्र से घिरा हो। बहरीन अरब देशों में सबसे छोटा देश है। बहरीन और सऊदी अरब को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला 26 किलोमीटर लंबा पुल राजा फतेह कॉजवे है जो इन दो देशों को जोड़ता है। काउचवे ब्रिज 1982 में बनाया गया और इसके निर्माण के लिए लगभग 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। बहरीन देश की करेंसी दिनार है दोस्तों, एक दिनार यानी कि 2.6 अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, बहरीन में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा अरबी है। दोस्तों, बहरीन अरब देश में सबसे ज्यादा तेल की खोज करने वाला देश है। 1932 में तेल के भंडार की इसने खोज की थी और तब से ये देश दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। बहरीन के आकार की बात करें तो ये 50 किलोमीटर लंबा और 16 किलोमीटर चौड़ा है। बहरीन में एक प्रसिद्ध मोस्कुट वृक्ष है जिसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, जो कि 400 साल पुराना है। दोस्तों, बहरीन के रेगिस्तान में अकेला ये वृक्ष खड़ा है। इस वृक्ष का जल स्रोत क्या है किसी को नहीं पता। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। दोस्तों, बहरीन सबसे ज्यादा गर्म देशों की सूची में भी आता है और यही कारण है कि इसका टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, बहरीन में ज्यादातर संख्या शिया मुसलमान की है, लेकिन इस देश पर सुन्नी मुसलमानों का ही शासन है। दोस्तों, एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। बहरीन के पूरे समुद्री तट रेखा में केवल बहरीन का 5% तट रेखा है जो की जनता के लिए खुली है। बाकी की तट रेखा यानी कोस्टल एरिया पिछले 20 सालों से सत्तारूढ़ परिवारों द्वारा कब्जा किया हुआ है। मानो ऐसा लगता है कि जो लोग पैसा कमाते हैं या ज्यादा अमीर होते हैं वो बहरीन के कोस्टल एरिया का आनंद ले सकते हैं, लेकिन जनता उसका आनंद नहीं ले सकती है। ज्यादातर बहरीन को सऊदी का विगास कहा जाता है क्योंकि सऊदी के लोग काउचवे ब्रिज को पार करके बहरीन में जाकर पार्टी जो करते हैं। 2002 के चुनाव में पहली बार बहरीन में महिलाओं ने मतदान किया और राष्ट्रीय चुनावों में खड़े होने का राजनीतिक अधिकार उन्होंने प्राप्त किया। उससे पहले ना तो महिला यहाँ वोट डाल सकती थी और ना ही वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से खड़ी हो सकती थी। हालांकि 2002 के बाद यहाँ महिलाओं को पॉलिटिकल काफी आजादी मिली। दोस्तों, बहरीन जाकर आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत ही खूबसूरत द्वीप है, आप यहाँ पर द्वीपों का आनंद ले सकते हैं। बहरीन सभी अरब देशों में से सबसे खूबसूरत कहा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, और विश्व यात्री यहाँ अपना घर महसूस करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत है। जब आप तेजी से विकसित बहरीन को देखेंगे तो यकीन मानिए आपको इससे प्यार हो जाएगा। यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली होते हैं। दोस्तों, बहरीन में आप 5000 साल का इतिहास भी जान सकते हैं। यहाँ पर विरासत और संस्कृति की झलक मिलती है। दोस्तों, बहरीन को मोतियों का द्वीप समूह भी कहा जाता है। यहाँ घूमने के लिए भी बहुत कुछ है, खासकर यहाँ पे बाजार काफी फेमस है। दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ समय बिता सकते हैं मनामा सूक में। बहरीन की पुरानी संस्कृति अगर देखनी है तो ये जगह परफेक्ट है। मनामा सूक एक खुला बाजार है, साथ ही यहाँ पर आप कुछ खास शॉपिंग कर सकते हैं। विदेशी मसाले और खासकर खजूर जरूर लीजिएगा, यकीन मानिए यहाँ मिले हुए खजूर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, जब भी आप बहरीन एक्सप्लोर कर रहे हों तो बाब अल बहरीन को जरूर देखें। ये पर्यटकों के लिए काफी अट्रैक्टिव प्लेस है। बाब अल बहरीन केंद्रीय व्यापार जिले के प्रवेश द्वार के रूप में स्थित है। कुछ स्मारक तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। दोस्तों, ये है बेइत अल कुरान।
बेतल कुरान के पास इस क्षेत्र में प्राचीन कुरान का बेहतरीन संग्रह है। ये अद्भुत स्थान है। 610 में इस्लाम के आगमन के बाद से लगभग हर शताब्दी के कुरान को प्रदर्शित करता है, साथ ही यूरोपीय भाषाओं में कुछ शुरुआती अनुवादों को भी प्रदर्शित करता है। कुरान के अलावा इसमें पांडुलिपियां, लकड़ी की नक्काशी और इस्लामी सुलेख के उदाहरण मिलते हैं। पुस्तकालय भी है जहां आप कुछ इतिहास भी जान सकते हैं। अगर आपको किसी देश के इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में जानना है तो म्यूजियम सबसे परफेक्ट जगह है, और बहरीन राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा करना, उसे एक्सप्लोर करना तो बनता है, खासकर तब जब हम उस देश के इतिहास को जानना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहरीन में घूमने के लिए सबसे परफेक्ट जगह है। ये इमारत अपनी सुंदर वास्तुकला और समुद्र तटीय स्थान के कारण काफी फेमस है। 1988 में संग्रहालय का निर्माण हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इतिहास की जानकारियां मिलेंगी जिसे सुनकर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही यहाँ का वास्तुशिल्प भी बहुत खास है। इसके अलावा संग्रहालय केवल समृद्ध अतीत को प्रदर्शित करने का स्थान नहीं है, बल्कि थिएटर में सभी प्रकार के शोज भी होते हैं। यहाँ पर आप शोज भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये है अल फातिही मस्जिद। अल फातिही मस्जिद बहरीन की भव्य मस्जिद है, जिसे आधुनिक बहरीन के संस्थापक शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन खलीफा ने बनाया, जिन्हें अल फातिही के नाम से जाना जाता था। उनके सम्मान में एक भव्य स्मारक के रूप में इसे बनाया गया। फर्श को सजाने के लिए इटली से संगमरमर लाया गया, ऑस्ट्रेलिया से कांच खिड़कियों में लगाया गया, और राशि 6 मीटर ऊंचे दरवाजे बनाने के लिए भारत से सागौन की नक्काशी की गई, यानी कि आपको यहाँ भारत की झलक भी मिलेगी। अल फातिही 7,000 उपासकों को शामिल करने में सक्षम है, और आपको बता दें कि वो जगह है जहाँ पर पर्यटक जरूर आते हैं। दोस्तों, ये है रिफा किला। रिफा किला बहरीन की उन प्रसिद्ध जगहों में से एक है जहाँ आपको अवश्य जाना चाहिए। रिफा किला 1812 में बहरीन के 19वीं सदी के शासक शेख सलमान बिन अहमद अल फातिह द्वारा बनाया गया बहरीन किलेबंदी का एक उत्कृष्ट नमूना है। अब इसमें एक छोटा संग्रहालय है जिसमें उभरे हुए रास्ते हैं, इंटरैक्टिव स्थान है और बहुत सारी खास चीजें। कोने कोने में आपको यहाँ झलक नजर आएगी संस्कृति की और इतिहास की। और हाँ दोस्तों, बहरीन किला, इसको तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। माना जाता है कि ये प्राचीन दिलमुन साम्राज्य की राजधानी थी। 2300 ईसा पूर्व से लगातार मानव निवास कर रहे हैं। किला एक स्टाइलिश आधुनिक आगंतुक केंद्र है और एक उत्कृष्ट संग्रहालय द्वारा समर्थित, जहां आप एक मुफ्त ऑडियो गाइड ले सकते हैं और फिर संग्रहालय कैफे में कुछ खास चीजों का आनंद लें और बस इसे एक्सप्लोर करें। आई होप दोस्तों, आपको ये जगह पसंद आई होगी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ आपकी ये परफेक्ट प्लेस भी बन गई होगी। अगर आपको बहरीन आना अच्छा लगे तो यहाँ ज़रूर आइएगा। अगर आप बहरीन आना चाहते हैं तो इस देश को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप बहरीन जा चुके हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।